हेलो फूडीज, वेलकम टू माय लाइफ इज कुकिंग। तो आज हम एक नाश्ते में खा सके वैसी पूरी बनाएंगे, वो है दाबेली मसाला पूरी। तो ये आपको कहीं भी मार्केट में भी नहीं मिलेगी और ये बड़ी यूनिक रेसिपी है। तो अभी तक आपने माय लाइफ इज कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हमें दाबेली मसाला पूरी के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है बेसन, गेहूं का आटा, दाबेली का मसाला है तो ये हमने घर पर बनाया हुआ दाबेली का मसाला है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगी अगर आपको दाबेली मसाला घर पर बनाना है तो। हींग है, नमक है और ये मसाला सिंह का हमने पाउडर बना लिया है। तो जनरली जो हम दाबेली में यूज़ करते हैं मसाला सिंह, उसका ही ये हमने पाउडर कर लिया है। तो ये मसाला सिंह आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी दाबेली मसाला पूरी बनाए प्रोसेस। तो अराउंड 3 टेबल स्पून जितना दाबेली मसाला सिंग आती है उसका पाउडर है तो इसमें हम डालेंगे दाबेली मसाला अराउंड वो भी 2 टू 3 टेबल स्पून जितना है। और अब हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सचर तो हमारा तैयार है। अब हम हमारा पूरी के लिए आटा गूंद लेंगे। तो अब हम लेंगे 1 कप बेसन एंड 1/4 कप गेहूं का आटा है, 1/2 टेबल स्पून हींग है वो डाल देंगे और 1 टेस्पून सॉल्ट। तो सबसे पहले इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एकदम थोड़ा सा 1 टू 2 टेबल स्पून जितना पानी डालकर आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो हमें इसका आटा एकदम अच्छे से सख्त रखना है, पराठे से भी ज़्यादा हो वैसा। तो थोड़ा थोड़ा एक दो चम्मच ऐसे डालकर इसका आटा गूंद लीजिए। तो आज तक आपने दाबेली तो बहुत खाई होगी पर ये पूरी भी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है ये। तो आप देख सकते हैं एकदम हमने सख्त ऐसा आटा गूंद लिया है, तो ऐसा होना चाहिए आटा। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और एक बार इसे अच्छे से हम मसल लेंगे। तो हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है और अब हम इसमें से एक बड़ी सी लुई बना लेंगे क्योंकि हमें इसकी रोटी बेलनी है। तो हमने लुई ले ली है, अब हम इसे सूखे आटे में डाल देंगे। और हमने अभी गेहूं का आटा लिया हुआ है और इसे हम सूखे आटे के साथ बेलना है। तो हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और हमें इसकी रोटी मीडियम थिक ऐसे बेलनी है। तो आप देख सकते हैं हमने रोटी बड़ी सी बेल ली है और इसकी थिक भी ऐसी रखी हुई है, थोड़ी सी ही, ज़्यादा नहीं। और इसको आपको सूखे आटे में कम डालना पड़ेगा अगर आपने इसका आटा एकदम सख्त ऐसा रखा होगा तो। और अब हम इसके ऊपर ही हमारा बनाया हुआ जो दाबेली का पाउडर था वो डाल देंगे, मसाला सिंह और दाबेली का पाउडर। तो अच्छे से इसे स्प्रिंकल कर लीजिए। तो हमने अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया है, अब हम इसका रोल बना लेंगे। तो साइड से ऐसे रोल बनाते जाइए। इस हाथों से थोड़ा दबाते हुए ऐसे रोल बना लीजिए। तो ये रोल को हमने अच्छे से सील कर लिया है, अब हम इसे वापस से लुई बनानी है जैसे हम लच्छा पराठे में बनाते हैं वैसे। तो ऐसे हम बनाते जाएंगे। तो राउंड शेप में इसे रोल को लुई बना लीजिए और इसे अच्छे से सील कर दिए वापस से। तो इसे हम वापस से सूखे आटे में एक बार लगा लेंगे और इसे अब हम बेल लेंगे। तो हमें वापस से इसे रोटी जैसा बेल लेना है। तो अगर ये बेलती वक्त टूटती है साइड से तो आप इसे हाथों से जोड़ते जाइए।
वापस से रोटी तैयार हो गई है और ये मीडियम थिक की है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और पराठे के जैसी भी नहीं है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ऐसे कोई भी चीज़ लेकर इसे पूरी के शेप में काट लेंगे। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसे इसे काट लीजिए। तो आप देख सकते हैं तो ये बचे हुए हिस्सों को आप फिर से इकट्ठा कर वापस से पूरी बना सकते हैं। तो इसे हम वापस से पूरी बना लेंगे। तो ये पूरी तो हमने बना ली है, ऐसे हम सारी बना लेंगे। तो ये हमने पूरी तैयार कर ली है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमने ऑलरेडी तेल गरम कर लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारी पूरी। तो हमारी पूरी हमको एकदम गोल्डन हो वैसी रखनी है और ये क्रिस्पी भी होनी चाहिए, इसलिए आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लीजिए। तो बेसन के साथ दाबेली मसाला का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। तो जब आप इसमें ऑयल में से बाहर निकालेंगे तब ये थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं लगेगी, पर ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद में अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। तो फिर से हम फ्राई कर लेंगे हमारी दूसरी पूरियाँ। इस पूरी में आपको ऊपर से नहीं दिखेगा पर अंदर से हल्की हल्की इसकी परत भी बनी हुई होगी, क्योंकि हमने इसका रोल जो बनाया था उसकी वजह से। तो ये भी हो चुकी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम सारी हमारी पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। तो तैयार हो चुकी है हमारी दाबेली मसाला पूरी, हमने सारी फ्राई कर कर तैयार कर ली है और सर्विंग प्लेट में भी ले ली है। तो इसको खाने के लिए वेरियस ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जैसे कि लहसुन की चटनी है या ग्रीन चटनी है, केचप है, चाय है, या आम का मुरब्बा जो बनाते हैं उसके साथ भी ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप इस दाबेल मसाला पूरी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और माय लाइफ इज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।